हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है मैंने सिरॉन कंपनी का सोल्डरिंग आयरन ले लिया है, जो कि दोस्तों काफ़ी हेवी वाला सोल्डरिंग आयरन है, जो कि दोस्तों ये 60 वाट में है। तो दोस्तों अभी जो है हम इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें जो है हमको काफ़ी सारे फीचर्स अभी देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो जो है बिल्कुल स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको इस सोल्डरिंग आयरन के बारे में सारा कुछ डिटेल्स में आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो आइए दोस्तों हम फटाफट से इसका अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते कुछ इस प्रकार से इसका पैकिंग बॉक्स हमको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर देख सकते 60 वाट का हमको यहाँ पर आउटपुट लिखा हुआ दिख रहा है, और इतने सारे यहाँ पर हमको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों ये जो है चाइना नहीं है, ये हमारा इंडिया का ही बनाया हुआ ब्रांड है। तो दोस्तों अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो वो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमको ब्रांड यहाँ पर सिरॉन नाम लिख प्रिंट किया हुआ पॉलीथीन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ताकि दोस्तों यहाँ पर जो है इसका काफ़ी सारे जो है कॉपी बनाने की कोशिश कर रखे हैं। तो अभी हम इसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से इस ऑर्डरिंग आयरन जो है हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है हमको सिरॉन कंपनी का लोगो हमको यहाँ पर इस वाले इस साइड पर हमको देखने को मिल रहा है, और देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से इसका आउटपुट हमको 60 वाट, और यहाँ पर जो हमको इसको 230 वोल्टेज हमको यहाँ पर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी हेवी में यहाँ जो है इसका मटेरियल हमको देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमें कुछ इस प्रकार से एक बीट जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि ये जो है यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर जो हम स्क्रू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम यहाँ से लूज़ कर हम जो है इसके साइज जो है कुछ इस प्रकार से छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। और इसका बीट जो है मार्केट में आसानी से हमको अवेलेबल भी हो जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी जो है बड़ा साइज़ का बीट यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है। तो अभी हम यहाँ पर इसको जो है फिर से यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, और इस स्क्रू को जो है यहाँ पर हम इस तरीके से टाइट कर लेते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमको काफ़ी हेवी क्वालिटी में हमको केबल यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर किसका केबल पर भी यहाँ पर हमको सिरॉन प्रिंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले जो यहाँ पर 3 पिन टॉप हमको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी हमको सिरॉन कंपनी का लोगो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है ये सोल्डरिंग आयरन जो है दोस्तों काफ़ी हेवी वाला है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 3 पिन हमको देखने को मिल रहा है। कुछ इस प्रकार से हमको अर्थिंग के लिए यहाँ पर पिन दिया गया है, जो कि दोस्तों ये जो है इस बॉडी के साथ में कनेक्टेड है, तो अगर कोई इश्यू हो जाता है, अगर कोई यहाँ पर अगर लीकेज करंट आ जाता है, तो दोस्तों अर्थिंग घर में ज़रूर करना चाहिए और यहाँ से इसको कनेक्ट करना चाहिए, ताकि दोस्तों हम यहाँ पर जो हमको काफ़ी सारी सेफ्टी हमको यहाँ पर मिल जाती है। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं इसके आउटपुट के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर हमने देख लिया है 60 वाट का इसका आउटपुट है, यानी कि इसका जो हीटिंग एलिमेंट है काफ़ी पावरफुल होने वाला है, और मल्टीपर्पज़ जो है हमको इसको यूज कर सकते हैं। काफ़ी हेवी जो है इसका परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी जो है वीडियो के अंदर हमें आगे इसका टेस्टिंग लेने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हम जो है यहाँ पर इसका वायर एक बार कुछ इस प्रकार से ओपन कर लेते हैं, और इसका एक बार जो वायर्स हैं तो हम इसका एक बार लेंथ एक बार चेक कर लेंगे, जिससे कि दोस्तों हमें पता चल जाएगा जो इसका वायर का लेंथ कितना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने अभी इसको ओपन कर लिया है, ये जो है करीब करीब जो है देख सकते हैं ये जो है करीब करीब 1 मीटर से ऊपर इसका जो वायर का साइज़ हमको देखने को मिल रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है इसका जो वायर का साइज़ है ये करीब करीब जो है 5 फुट है साइज़ इसका। तो दोस्तों अभी जो है हम इसको एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, और जो है इसका हम हीटिंग जो इसका कैपेसिटी है उसका एक बार अच्छी तरीके से चेक करेंगे, और इसका परफॉर्मेंस कैसे मिलता है इसको भी हम वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी जो है मैं इसको रख लेता हूँ और इसको ऑन कर लेता हूँ।
तो देख सकते हैं दोस्तों, अब ये जो है सोल्डरिंग आयरन अच्छी तरीके से यहाँ पर गर्म हो चुका है, और देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका कलर है अभी चेंज हो चुका है। जैसा कि हमने अभी इसको जब ओपन किया था उस टाइम पर जो इसका जो कलर है इस टाइप का था, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है ब्लैक कलर में हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने अच्छी क्वालिटी का सोल्डर वायर ले लिया है। तो दोस्तों अभी हम इसको यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं इसको लगाकर, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर ये मेल्ट हो रहा है, यानी कि ये आयरन जो है प्रॉपर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों इसको यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैं 25 वाट का ये सोल्डरिंग आयरन यूज़ करता था, जिससे कि दोस्तों इस पर जो है ये वाला जो अच्छी क्वालिटी का जो सोल्डर वायर है ये अच्छी तरीके से प्रॉपर वर्क करता था। लेकिन दोस्तों जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है थोड़ा सा ये लो ग्रेड का ये जो है सोल्डर वायर है, तो दोस्तों ये वाला जो सोल्डर वायर है इस वाले सोल्डरिंग आयरन के साथ में ये अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता है। ये वाला जो सोल्डर वायर है 25 वाट पर जो सोल्डर आयरन होता है उसके पर ये अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता है। लेकिन दोस्तों अभी हम इस वाले सोल्डरिंग आयरन के साथ में इसको एक बार टेस्टिंग ले लेते हैं, तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया ये वर्क कर रहा है, यानी कि दोस्तों ये जो है हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट होता है। तो दोस्तों इस वजह से जो है इस वाले सोल्डरिंग आयरन के साथ में ये प्रॉपर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये वाला भी जो अच्छी क्वालिटी का जो फाइन सोल्डर वाला जो हमारा सोल्डर वायर होता है, तो ये भी जो है इस वाले सोल्डरिंग आयरन के साथ में हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। और साथ ही साथ जो हाई टेम्परेचर वाला जो मतलब जिसको मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो हार्ड जो सोल्डर वायर होता है उसको भी हम यहाँ पर अच्छी तरीके से इस वाले सोल्डरिंग आयरन के साथ में इसको हम यूज़ में ला सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सोल्डरिंग आयरन की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, मल्टीपर्पज़ जो है हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। इसके कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये जो है मुझे लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जो है 200 रुपये में मिल गया है। अगर दोस्तों आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब ये ऑनलाइन आपको महंगा मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये सोल्डरिंग आयरन कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जो है गुड बाय।